इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले शब्द वुड, वुड का सभी प्रयोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। वुड का पहला यूज है वुड मीन्स करता, करती, करते। इसके लिए आप करते जैसे कोई काम करता, उस सेंस में आप यूज करते हैं। अगर तुम मेरे पास आता तो मैं तुम्हें पैसे देता, कोई चीज करता, लास्ट में आपका ता आएगा तो सेंटेंस बनेगा इफ यू कैम टू मी आई वुड गिव यू मनी। अगर तुम मेरे पास आता, इफ यू कैम टू मी, मैं तुम्हें पैसे देता, आई वुड गिव यू मनी। इसी प्रकार से यदि मैं घर आता तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करता तो सेंटेंस बनेगा इफ आई कैम टू हाउस आई वुड डेफिनेटली कॉल यू। आई वुड डेफिनेटली कॉल यू, डेफिनेटली मीन्स जरूर, शायद तो आप यहाँ पर श्योरली भी कह सकते हैं। तो गाइज आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका करता करती आशा है, मतलब कि कोई काम करता इस सेंस का आशा है, वहां पर आप वुड का यूज कर सकते हैं। अगर वो अंग्रेजी सीखता तो वो एक अच्छी नौकरी करता तो सेंटेंस बनेगा इफ यू लर्न इंग्लिश, अगर वो अंग्रेजी सीखता ही वुड डू अ गुड जॉब, वो एक अच्छा नौकरी करता तो सेंटेंस आप ऐसे ही बना सकते हैं। और यहाँ पर आपका वुड किया यूज किया जा रहा है एक हेल्पिंग वर्ब के तरह। आप समझते हैं वुड का यूज कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 3 में, जिससे होता है अगर ये होता तो वो हो चुका होता, इस सेंस के लिए। जैसे आप बोलते हैं यदि वो अंग्रेजी सीखता तो वो एक अच्छी नौकरी पा चुका होता, कोई चीज कर चुका होता, ये चुका होता को लास्ट में ये ध्यान रखना है, सेंटेंस आपके इजी में बन जाएंगे। जैसे इफ ही हैड लर्नड इंग्लिश ही वुड हैव गॉट अ गुड जॉब, ही वुड हैव गॉट अ गुड जॉब। यहाँ पर गॉट जो है आपका ये वितरी है, इस पार्ट से ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आपके हेड के बाद आपके ये लर्नड आपके वितरी आए हैं। जैसे इफ ही हैड लर्नड इंग्लिश, अगर वो अंग्रेजी सीखता He would have got a good job, वो एक अच्छी नौकरी पा चुका होता। गेट मीन्स पाना, गेट का थर्ड फॉर्म गोट है। अगर मेरे पास पैसे होता तो मैं गरीबों की मदद कर चुका होता तो सेंटेंस बनेंगे इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होता आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर, मैं गरीबों की मदद कर चुका होता, आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। वुड, वुड मीन्स पास होता, पास होता के सेंस में वुड का यूज करेंगे। जैसे कि उन लोगों के पास कई सारे पैसे होते तो सेंटेंस बनेगा दे वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी मीन्स उन लोगों के पास कई सारे पैसे होते। प्रिया के पास एक कार होता तो प्रिया वुड हैव अ कार, प्रिया वुड हैव अ कार, प्रिया के पास एक कार होता, कोई चीज होता, कोई चीज पास होता के सेंस में हम यूज करेंगे। मेरे पास कई सारे दोस्त होते आई वुड हैव मैनी फ्रेंड्स, आई वुड हैव मैनी फ्रेंड्स मीन्स मेरे पास कई सारे दोस्त होते। वुड हैव का मतलब हो जाएगा कर चुका होता, कर चुका होता के सेंस में यूज किया जाएगा आपका वुड हैव। अब इसका हो जाएगा एग्जांपल वे लोग अंग्रेजी सीख चुके होते, कोई काम कर चुके होते इस सेंस के लिए तो सेंटेंस बनेगा दे वुड हैव लर्नड इंग्लिश, दे वुड हैव लर्नड इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीख चुके होते। वो गाना गा चुकी होती, सेंटेंस बनेगा सी वुड हैव संग अ सॉन्ग। ध्यान ये रहे कि वुड हैव के बाद आपका वी3 आना चाहिए, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वो राहुल से मिल चुका होता, वो राहुल से मिल चुका होता, सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव मेट राहुल, ही वुड हैव मेट राहुल, वो राहुल से मिल चुका होता, कोई काम कर चुका होता इस सेंस के लिए। अब वुड का यूज करेंगे ऑफर के लिए। जैसे कि आप बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ रहोगे, सेंटेंस होगा वुड यू लिव विद मी, वुड यू लिव विद मी मतलब क्या आप मेरे साथ रहोगे या क्या तुम मेरे साथ रहोगे, क्या आप एक कप कॉफी पियोगे। इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी को हम ऑफर कर रहे हैं कि चाय पियोगे, बिस्किट खाओगे, पानी पियोगे इस पर से तो सेंटेंस बनेगा वुड यू हैव अ कप ऑफ कॉफी। यहाँ पर हैव सो मतलब है, यहाँ पर आपका साइन तो आप यहाँ पर टेक भी यूज कर सकते हैं गाइस। वुड यू टेक अ कप ऑफ कॉफी मतलब क्या आप एक कप कॉफी पियोगे या पीना चाहोगे, ऐसे भी हो जाएगा क्या आपके लिए एक कप चाय लाऊं तो सेंटेंस बनेगा वुड आई गेट यू अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या आपके लिए एक कप चाय लाऊं,
वुड आई गेट यू अ कप ऑफ टी फॉर यू। तो सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं कई सारे। वुड का यूज करेंगे पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट का हैबिट बताने के लिए हम यूज करते हैं वुड का, जो मीनिंग देगा कोई काम किया करता था। कोई काम किया करता था मीन्स वुड का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग शराब पिया करते थे, वी वुड ड्रिंक वाइन। वी वुड ड्रिंक वाइन, हम लोग शराब पिया करते थे। वो गाना गाया करता था, ही वुड सिंग अ सॉन्ग। ही वुड सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाया करता था। तुम शाम में टहलने जाया करता था, यू वुड गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वुड का यूज क्या सर है, पास्ट हैबिट बताने के लिए कि मैं ये ऐसा काम किया करता था। इस पर से बातें होती हैं वुड का यूज करके। वुड मीन्स आपका होगा दिक्कत तो नहीं, जब आप किसी को पूछते हैं दिक्कत तो नहीं, उसमें भी आप वुड का यूज करते हैं। जैसे आपको उसके साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं, तो सेंटेंस बनेगा वुड यू माइंड लिविंग विद हिम। वुड यू माइंड लिविंग विद हिम, क्या आपको उसके साथ रहने में कोई दिक्कत है, या फिर आपको उसके साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं, इस पर से हम पूछते हैं। या काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं, तो सेंटेंस बनेंगे वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क। वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क, या काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं। इसी बार से मेरे साथ बाजार जाने में कोई दिक्कत तो नहीं, तो सेंटेंस बनेगा वुड यू माइंड गोइंग टू मार्केट विद मी। वुड यू माइंड गोइंग टू मार्केट विद मी, मेरे साथ बाजार जाने में कोई दिक्कत तो नहीं। तो सेंटेंसेस हम ऐसे ही बना सकते हैं वुड की मदद से, जिसका मतलब होगा दिक्कत तो नहीं। वुड हैव टू, वुड हैव टू का मतलब होगा कोई काम करना पड़ता होगा। कोई काम करना पड़ता होगा, इस सेंस के लिए वुड हैव टू का यूज होगा। आपको खाना बनाना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू कुक फूड। यू वुड हैव टू कुक फूड, आपको खाना बनाना पड़ता होगा। उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता होगा, सेंटेंस होगा ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता होगा। तो सेंटेंस आप देख सकते हैं कि वुड हैव टू की मदद से कैसे बनाए जाते हैं, मीनिंग आता है कोई काम करना पड़ता होगा। इस बार से अब वुड का यूज करेंगे ऑफर के लिए। सब हम बोलते हैं कि करना चाहेंगे या करना चाहोगे, इस प्रकार से। जैसे क्या वे लोग यह मोबाइल खरीदना चाहेगा, वुड दे लाइक टू बाय दिस फोन। वुड दे लाइक टू बाय दिस फोन, क्या वे लोग यह मोबाइल खरीदना चाहेगा। क्या तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहोगे, तो सेंटेंस होगा वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश। वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश, क्या तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहोगे। तो ऐसे कोई काम करना चाहोगे, वहां पर भी हम यूज करते हैं वुड का। क्या आप एक कप चाय पीना चाहोगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना चाहोगे। तो सेंटेंसेस हम ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं। वुड मीन्स होगा क्या बुरा लगेगा, इस सेंस के लिए भी। जैसे कि क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं उससे मदद के लिए कहूँ तो, मतलब कि क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं उससे मदद के लिए कहूँ तो। तो सेंटेंस बनेगा वुड ही माइंड इफ आई से टू हिम फॉर हेल्प। सेंटेंस आपको ऐसा बनेगा कि क्या उसको बुरा लगेगा, वुड ही माइंड, क्या उसको बुरा लगेगा यदि मैं उससे मदद के लिए कहूँ। If I say to him for help, तो sentence हम ऐसे ही बना सकते हैं। क्या रवि को बुरा लगेगा यदि हम लोग घर जाएं, sentence होगा would Ravi mind if we go to house। तो sentences बनेगा guys, ऐसे ही कमाल के sentence बनाए जाते हैं वुड की मदद से। क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं आपके साथ बाजार जाऊं, तो sentence होगा would you mind if I go to market with you। तो sentences बनेंगे ऐसे ही कमाल के। वुड मीन्स क्या चाहेंगे कि वो करूं, तो सेंटेंस बनेगा क्या तुम चाहोगे कि मैं नदी में नहाऊं। सेंटेंस होगा वुड यू लाइक मी टू स्विम इन द रिवर। वुड यू लाइक मी टू स्विम इन द रिवर, ध्यान रहे कि जो भी यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपके की के बाद जो भी आपका वर्ड आएगा, चाहे मैं आए, वो आए, या किसी का नाम आए, वो आपका यहाँ पर लिखा जाएगा लाइक के बाद। इसी बार से देखिए, क्या आप चाहेंगे कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखूं। सेंटेंस होगा वुड यू लाइक मी टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। वुड यू लाइक मी टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप चाहेंगे कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखूं। इसी बार से क्या आप चाहेंगे या चाहोगे कि राहुल शराब पिए, तो सेंटेंस होगा वुड यू लाइक राहुल टू ड्रिंक वाइन।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, इस ऑब्जेक्ट के बाद आपका टू वी वन आएगा, इस बातों को ध्यान रखना है। ओड मीन्स क्या यह ठीक होगा कि यदि मैं कुछ करूं, क्या यह ठीक होगा यदि मैं कुछ करूं, सनेस होगा क्या यह ठीक होगा यदि मैं सुमन से बात करूं, तो सनेस होगा वुड इट बी ओके इफ आई टॉक टू सुमन, वुड इट बी ओके क्या यह ठीक होगा इफ आई टॉक टू सुमन, यदि मैं सुमन से बात करूं। इस बार से क्या यह ठीक होगा यदि वो कंप्यूटर से के, वुड इट बी ओके इफ ही लर्न्स कंप्यूटर, इससे बाहर से सेंटेंस बनाए जाएंगे। क्या यह ठीक होगा यदि मैं तुम्हारा किताब लूं, वुड इट बी ओके इफ आई टेक योर बुक, इफ आई टेक योर बुक यदि मैं तुम्हारा किताब लूं, तो सेंटेंस बनेंगे ऐसे ही। वुड बी का मतलब होगा होता के सेंस में हम यूज करेंगे, जैसे कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होते लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की, सेंटेंस होगा सी वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड बट सी ट्राइड टू यूज मी, यूज मीन्स इस्तेमाल करना, इस बार से समझेंगे। राहुल अभी एक बड़ा चिकित्सक होता के सेंस में, इसे राहुल वुड बी अ ग्रेट डॉक्टर नाउ, राहुल वुड बी अ ग्रेट डॉक्टर नाउ, राहुल अभी एक बड़ा चिकित्सक होता। ये पर आप देख सकते हैं कि वुड बी यूज किया गया है होती के सेंस में या होता के सेंस में, इसी बात से आप समझते हैं। वुड हैव हैड मीन्स पास होता, जैसे कि मेरे पास आज एक बाइक होता, सनेस होगा आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे, इसी बात से यदि उसने पहले अंग्रेजी सीखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता, कोई चीज होता एक लंबे समय से होता, तो सेंटेंस बनेगा आपका इफ ही लर्नड इंग्लिश बिफोर ही वुड हैव हैड अ गुड जॉब, तो सेंटेंस बनेंगे वुड हैव हैड की मदद से। वुड रेदर का मतलब होगा से अच्छा या के बजाय, से अच्छा या के बजाय जब आप तुलना करते हैं कंपेयर करते हैं वहां पर आप यूज करते हैं वुड रेदर का, जैसे मैं चाय पीने के बजाय कॉफी पीना पसंद करूंगा, सेंटेंस होगा आई वुड रेदर टेक कॉफी देन टी, इसी बार से वो टीवी देखने के बजाय सोना पसंद करेगा, सेंटेंस होगा ही वुड रेदर स्लीप देन वॉच टीवी, तो इसी बार से आपको बनेगा मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा, आई वुड रेदर स्टडी देन प्ले, आई वुड रेदर स्टडी देन प्ले मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा। Thanks for watching, that's all for